चार दिव्य रात्रियां होती है वर्ष में। पुण्य कर्म जीव को अमित शांति, पुण्य ज्ञान, आह्लाद, उत्साह और देर सवेर परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली ये चार रातें हैं। उस रात को श्री कृष्ण प्रकटे हुए। माया के जेल में पड़े हुए जीवों को मुक्त कराने वाला अवतार व कृष्ण अवतार है। कैसा दयालु भगवान है भारत का, हिंदुओं का कैसा भगवान है। भगवान का प्रागट्य दिवस जन्माष्टमी, इस महापर्व की अपनी विशेष महिमा है। भगवान अपना पता स्वयं बताते हैं तो दिल संशय नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, दूसरी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है वासना के वेग से, कर्म बंधन से, लेकिन भगवान का जन्म वासना के वेग से या कर्म बंधन से नहीं होता, अपितु भगवान का जन्म बड़ा दिव्य होता है। सामान्य व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव में आकर कर्म करता है, लेकिन भगवान प्रकृति के प्रभाव से, वासना के प्रभाव से प्रेरित मोहित होकर कर्म नहीं करते। वो वात्सल्य करुणा वर्णालय, कर्म तो करते हैं लेकिन उनमें कर्म करने की कला कुशलता तो होती है और दिव्यता भी होती है। व्यक्ति कर्म करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, और ईश्वर कर्म करता है तो सभी के कल्याण, मंगल, परमार्थ के लिए। व्यक्ति का जन्म होता है तो वासना के वेग से, और भगवान का प्रागट्य होता है तो करुणा वरुणा के प्रभाव से होता है। भगवान के वचन ही आप, भगवान की दी हुई सत्ता से, भगवान की दी हुई जिह्वा से उच्चारित करें तो आप पावन हो जाएं। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, नैति मामेति स्वर्जुन, नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता से मान ले, वह शरीर त्याग करने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होकर मेरे मय हो जाता है। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। चार दिव्य रात्रियां होती है वर्ष में, होली की रात, दिवाली की रात, शिवरात्रि की रात और जन्माष्टमी की रात। इनकी क्या कहूं तुम्हें बात। इस रात्रियों का जप, ध्यान, सुमरण और पुण्य कर्म जीव को अमित शांति, पुण्य ज्ञान, आह्लाद, उत्साह और देर सवेर परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली ये चार रातें हैं। उस रात को श्री कृष्ण प्रकटे हुए। भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितगारी, बराबर राम नवमी दोपहर के 12 बजे, मध्यान को तपती धूप में, अशांत मानव को शांति और मर्यादा का प्रसाद देने वाला अवतार रामा अवतार है। और जीवन के अंदर बेसुरी, अंधकार से आक्रांत, शोषकों से शोषित, चाणुक, मुष्टिक और कंस, धनकासुर, बकासुर, अघासुर आदियों से, अंधकारमय वातावरण से प्रजा त्राही माम पुकारती, अंधेरे में ठोकरें खाने वाली प्रजा को
जीवन का संगीत सुनाने वाले, अंधकार में आनंद की बंसी बजाने वाला अवतार होता है भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। 7 दिन आगे 7 दिन पीछे बराबर भादो के बीच पक्ष में जो अवतार होता है वो ठीक मध्य रात्रि 12 बजे। और कहाँ होता है? जेल में होता है। जेल में पड़े हुओं को छुड़ाना है तो तुम्हें जेल में जाना पड़ता है, बाहर नहीं। जेल में पड़े हुओं को सचमुच में सदा के लिए भगाना है तो आपको भी जेलियों के कैदियों के वातावरण को समझने के लिए जेल का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे माया के जेल में पड़े हुए जीवों को मुक्त कराने वाला अवतार वह कृष्ण अवतार है। गोकुल, गो नाम इंद्रियों का है। हमारी इंद्रियां, नेत्र इंद्री पिक्चर के तरफ हमें घसीट के ले जाती है तो रसना इंद्री हलवाई और चाट की दुकान पर हमें घसीटती, नासा इंद्री हमें परफ्यूम और सेंट के तरफ घसीटती है तो श्रवण इंद्री हमें तकड़ दिनाधीन के तरफ और काम इंद्री हमें ललनाओं के तरफ, लवरी लवरों के तरफ घसीटती। इस जीवन रूपी गोकुल के गायों में कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई संयम नहीं, कोई सदाचार नहीं। इस जीवन रूपी गोकुल में कोई संगीत नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई सात्विक सुवास नहीं, कोई तालमेलता नहीं, कोई एकतानता नहीं। जब ऐसी अवस्था समाज की वो देखता है तो पिया स्वयं एक पंथ अनेक कार्य करने के लिए अवतरित होता है। अवतार किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे आए, अवतरति इति अवतार। जैसे राष्ट्रपति क्लर्क का काम करने लग जाए तो उसका राष्ट्रपति पद चला नहीं जाता, अपितु क्लर्क को अथवा क्लर्क के ऑफिस वालों को एक स्नेह और अपनत्व का एहसास कराने को आ गए। ऐसे ही भारतीय संस्कृति का भगवान साथ में अरस पे बैठा रहे अथवा किसी लोक में बैठा रहे और अपने बेटे को भेजे या पैगंबर को भेजे, ये भारतीय संस्कृति के भगवान को कभी स्वीकार नहीं। वो स्वयं ही अपने आप आने को तैयार हो जाता है, वो ऐसा प्यारा है। भारतीय संस्कृति के लोगों के जीवन में वैदिक ज्ञान का बड़ा दिव्य प्रकाश और प्रभाव है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, मानस में आया निज इच्छा से। जीव तो कर्म बंधन से आता है लेकिन ईश्वर अपनी करुणा वरुणा से, इच्छा से। जैसे नौकर तो नौकरी के बंधन से फैक्ट्री में आता है लेकिन सेठ कभी भी मौज से राउंड मारने आ जाता है, गड़बड़ी हो तो संवारने सुधारने की, किसी को बुलाने की और किसी को समझाने की और किसी को पुरस्कृत करने की ताकत जो सेठ में है वो बेचारे चपरासी में नहीं है। ऐसे जो सृष्टिकर्ता में है वो किसी राजा महाराजा में नहीं हो सकती है। तो अपने जीवों को आत्मानंद से पुरस्कृत करने के लिए, अपने भक्तों का गौरव बढ़ाने के लिए सृष्टिकर्ता का अवतार का 3 उद्देश्य होते हैं। साधु जनों का उत्साह, आनंद, सज्जनों भक्तों का प्रेमा भक्ति बढ़ाना, दुष्कृति वालों को सबक सिखाना और धर्म की स्थापना करना, ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं भगवान के अवतार के। कोई मर्यादा अवतार तो कोई ज्ञान अवतार कपिल मुनि का, कोई करुणा अवतार तो कोई आवेश अवतार, जैसे नरसिंह अवतार, आवेश अवतार,
और द्रौपदी पुकारती है कि द्वारिकाधीश हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चीर हरण करने को है। द्वारकाधीश पुकारते ही द्वारका बोली तब द्वारका में थे और धीश बोलते ही ओ चीर अवतार। फिर तो वो चीर खींचते खींचते थक गया दुशासन। आखिर हाथियों का बल रखने वाला दुशासन कहता है कि द्रौपदी नारी है के साड़ी है, साड़ी है के नारी है। इतने 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 घंटों से खींचते खींचते भुजाएं थक गई, कपड़ा कम नहीं होता, यहाँ तो ढेर लग गए और ये ढकी रह गई, क्या बात है। न नारी है न साड़ी है, तेरे बाप का बाप कृष्ण का अवतरण है। वस्त्र में अपने संकल्प से प्रविष्ट हो जाए, इसे कहते हैं प्रवेश अवतार। जैसे आपने पतीले में पानी रखा और पतीले को नीचे से अग्नि का संयोग मिला, पतीले में अग्नि नहीं है लेकिन अग्नि की सत्ता से पानी अग्निमय हो गया, ऐसे वस्त्रों में वो अवतरित हो गई उसकी सत्ता चेतना। गजब के भगवान है, वस्त्र अवतार ले सकते हैं। सुदर्शन भेजा और काम करके वापस आ गया। आयुध अवतार, आयुध में अपना संकल्प अवतरित कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र भेजा, पूरे ब्रह्मांड को हिल डुला के ठिकाने लगा दे, लेकिन सामने वाले पक्ष के लोग अगर हाथ जोड़कर माफी मांगते ब्रह्मास्त्र से तो ब्रह्मास्त्र फिर वापस चला जाता है। कैसा है हिंदुस्तानियों का भगवान, कितना समर्थ है हिंदुस्तान का भगवान। और वो केवल हिंदुस्तान को ही अपना नहीं मानता है, कई ब्रह्मांड उसी में है। लोग कल्पना से अपने अपने भगवान भले बना ले, लेकिन वेद तो कहता है एकम सत्यम बहुधा वदन्ति विप्राः, एक ही सत्य स्वरूप ब्रह्म व्यापक परमात्मा, उसको अनेक रूपों में अनेक भावों में भजने वाले भिन्न भिन्न लोक हो सकते हैं। एक ही सूरज अमेरिका वालों को देखता है, वही सूरज हिंदुस्तानी देखते हैं, और जो हिंदुस्तानी चांद को देखते हैं अमेरिका वाले उसी को देखते हैं। टाइम फेर और स्थान फेर है, लेकिन चंदा और सूरज वही का वही। ऐसे नाम फेर और ठाम फेर, बंसी फेर और धनुष फेर हो सकता है, लेकिन परमात्मा वही का वही। नरसिंह अवतार की अपनी लीला है और संतों के हृदय में अवतरित होता है तो उसकी अपनी करुणा वरुणा लीला है। और आयुध अवतार आदि तो अवतार हुए, लेकिन ये जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को जो अवतार हुआ है, गजब का अवतार, हजारों हजारों श्रेष्ठ शब्दों का सत्व निकाल कर जो शब्द बना उसका नाम है कृष्ण। जो पापों को क्रश कर दे वो कृष्ण, और जो पुण्यात्माओं को आकर्षित कर दे वो कृष्ण, जो आनंदित कर दे वो कृष्ण, जो अपने स्वभाव का दान कर दे वो कृष्ण, जो छछियन भरी छाछ पर नाचने को राजी हो जाए वो कृष्ण, जो गोपियों के गोबर के तगारे उठवाने को तैयार रहे वह कृष्ण, जो युद्ध की घोड़ागाड़ी चलाने को इनकार न करे वह कृष्ण, जो संधि दूत होने को जाए और पूरा प्रयास करे, सफलता और विफलता जो भी मिले फिर भी गीत गाता रहे उसका नाम कृष्ण, युद्ध के मैदान में लोगों को अमृत निगाहें देकर जीतोगे तो यहाँ का राज्य और शरीर मरेगा तभी तुम शाश्वत अमर आत्मा हो, स्वर्ग का वैभव भोगोगे, ऐसा दान देने वाले दाता का नाम है कृष्ण अवतार। कर्षति आकर्षति इति कृष्णा। सेवकों में देखो तो कृष्ण जैसा सेवक मिलना मुश्किल है। बाबा सेवक क्या, हाँ गुरु के कुल में गए और लकड़ियां चुनने की सेवा करने में इनकार नहीं। और सखा कृष्ण सुदामा, गरीब ब्राह्मण सुदामा, और कुछ नहीं, पड़ोस से तंदुल मांग कर ले गया बगल में द्वारकाधीश के पास और
चपरासियों को कहता है कि जरा द्वारकाधीश को कह देना कि जो साथ में लकड़ियां करते थे पढ़ते थे जिसके साथ आप सांदीपनी गुरु के पास, वो आपका बाल मित्र सुदामा आया है। चौकीदारों ने कहा क्या बोलते हो ब्राह्मण, हमारे श्री द्वारकाधीश तुम्हारे साथ पढ़ते थे क्या? हाँ। तुम संदेशा दे दो फिर वे आए, उनकी कृपा ना आए तो उनकी मौज। लो सांभड़ो, आए उन्होंने जाकर कहा द्वारकाधीश को कि वो बूढ़ा हाड पिंजर सुदामा वो कहता है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। कृष्ण गद्दी से जंप मारते दौड़ते दौड़ते सुदामा के पैर छूते हैं और सुदामा का हाथ पकड़कर गद्दी पे बिठाते हैं और तसला मंगाकर सुदामे के पैर धोते और पैर धोते धोते पैरों में इस ब्राह्मण गरीब को कंडे लगे हुए हैं, कांटे चुभे हैं। रुक्मणी जरा सुई ला, रुक्मणी सुई लाने में जरा देर सबेर करती है, कृष्ण अपने दांतों से अपने मुंह से वो कंडे निकाल देते। कैसा दयालु भगवान है भारत का, हिंदुओं का कैसा भगवान है, जयराम जी की कैसा प्रेमा अवतार है, जो त्रिभुवन को नाच नचाए, वहां को अहिरन की छोरियां छछियन भरी छाछ पर नाच नचाए। कृष्णा अवतार जो कर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उल्सित कर दे, पापों तापों को हर ले और माधुर्य भर ले, ये कृष्णा अवतार भारतीय संस्कृति के चार स्तंभ हैं। दर्शन शास्त्र एक बड़ा स्तंभ है, उत्सव भी एक स्तंभ है। जैसे हॉल स्तंभों पे खड़ा है, ऐसे भारतीय संस्कृति का उत्सव भी एक स्तंभ है और उन उत्सवों में खान पान और सामाजिक संगठन और विचारों की दिव्यता का आदान प्रदान होने के साथ साथ आपके दिल को दिल के देवता के रंग से रंगने की व्यवस्था का नाम है भारतीय संस्कृति का उत्सव और पर्व। तो जन्माष्टमी उत्सव भी है, पर्व भी है, व्रत दिवस भी है। सैकड़ों नहीं हजारों एकादशियां का व्रत रखने से जो पुण्य लाभ होता है वो जन्माष्टमी के व्रत और जागरण से पुण्य लाभ कहा गया है। हजारों मंत्रों का जप अनुष्ठान करने से जो पुण्य लाभ होता है, स्कंद पुराण में कहा प्रभास खंड, स्कंद पुराण प्रभास खंड भाग, उसमें मार्कंडेय मुनि ने इंद्रद्युम्न राजा से श्री कृष्ण कथा का अमृत बरसाते हुए कहा कि जो श्री कृष्ण का नाम लेता है, श्री कृष्ण की कथा सुनता है, हे इंद्रद्युम्न राजा, उसे हजारों हजारों एकादशियां करने का व्रत का पुण्य मिलता है। जो कृष्ण नाम लेते, कृष्ण नाम की ताली बजाते, कृष्ण नाम का कीर्तन करते, आह्लादित और आनंदित होता है, उसे भगवान के सहस्त्र नाम जपने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो कृष्ण नाम का उच्चारण करते नृत्य करता है, उसका शोक मोह और दोष निवृत्त होता है। जो जन्माष्टमी के पर्व पर वेदांत का सत्संग सुनता है, योग शास्त्र की कथा सुनता है, उसे हजारों कपिलागौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवत कथा सुनता है, सुनने में सहाय करता है, दूसरों को ले जाता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और इतने ही नहीं, कृष्ण कुशल सेवक हैं, कुशल मित्र हैं, कुशल पति हैं, कुशल पुत्र हैं, कुशल पिता हैं, कृष्ण कुशल माता हैं। बाप जी क्या बोल रहे हो? आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि हे कृष्णमयी माँ, मेरी पुकार कब सुनोगी तुम? कैसे वात्सल्य भरे कृष्ण को इतने बड़े भारी विद्वान जिन्होंने पूरे भारत को हिला डाला,
हे टूणा फूणा अला बांधू बला बांधू कन्या मन्या कुर ऐसे वैसे पंथों को हिला डुला के सबके अंदर सबके लिए प्रीति जगाने वाला ज्ञान भर दिया। ऐसे आद्य शंकराचार्य कृष्ण को नमन करते हैं कि कृष्ण रूपी माँ मैं तेरी कहीं माया में न फंस जाऊं, मेरी माँ तू मेरी रक्षा करना। कृष्ण रूपी माँ, कृष्ण माँ बनने में भी कुशल, बाप बनने में भी कुशल, मित्र बनने में भी कुशल, नेता में तो ओहो क्या कहो। नेता लोग कृष्ण की नेतागिरी देखे ना तो आए है भारत सोने की चिड़िया यूं हो जाए। जेल में तो जन्म हुआ है, पराए घर लिवाए गए हैं और आठम को तो प्रकटे हैं, चौदस को पूतना ही और जहर पिला रहे और पी रहे। जहर तो पी गए लेकिन जहर की असर नहीं हुई। ऐसे नेता भी बेचारा खट्टे मीठे कुछ घुंटड़े पी ले, हृदय में असर न रहे और अंदर से वो मधुर बंसी बजाता रहे, वह सफल नेता हो सकता है। नहीं तो जहर पिलाने वाले तो तुमको खिन्न करना तो चांस है, और तुम खिन्न हो गए भड़क गए तो उनका तो काम बन गया, तो तुम तो ठन ठन पाल हो गए भैया। नहीं नहीं, हे प्रजा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे कुछ भी दे दे, नहीं है हमारा इनकार, वो नेता सफल हो जाता है। जैसी कृष्ण चाणूक और मुष्टिक को हंसते खेलते पहलवानों की नाई सफाया कर देगा, और कंस को क्यों ममा करते ही हार्ट फेल करके अपने धाम में पहुंचा देगा। पूतना का विष पान करते करते पूतना को सदगति दे देगा। ऐसा बंसीधर सदा मुस्कुराने वाला हमें सामने मिलता है तो हमारी आह्लादनी शक्ति बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है। रावण का इतना सैन्य बल, इतनी लीला और आसुरी विद्या होते हुए भी राम जी ने के तीरों ने रावण को सदा के लिए सुला दिया और अपने धाम में भेजा। मरता मरता रावण भी कहता कि श्री राम भगवान है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। जब ऐसे राम का, कृष्ण का, जगदम्बा का, काली का, गणपति का और हनुमान जी का पर्व उत्सव और दीदार होता है तो भारतवासियों की आह्लादनी शक्ति जगती है, माधुर्य शक्ति जगती है, संगठन शक्ति जगती है, सहिष्णु शक्ति जगती है, औदारी शक्ति जगती है। चार दिन की जिंदगी हो लेकिन तू जिंदगी ऐसी जी कि जिंदगी महक उठे और मृत्यु भी ऐसा हो कि मृत्यु भी चमक उठे। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। तू अमर यात्रा की कुंजी सीखी। जीवन जीना एक आर्ट है। ईश्वर के रास्ते जाने वालों की सेवा कर लेना, उनमें सहभागी हो जाना, ये बड़ी आर्ट है। हमारे पिताजी ये करते थे। हमारे पिता के भाई बड़े और धनी थे, बड़े दबंग थे, उनके बच्चे और उनका खानदान तो रो रहा है लेकिन हमारे पिता तो जय जयकार से पूजे जा रहे हैं। उस समय हमारे पिता के याद भगत तड़ो छे हंसता था लोगों, अने हवे पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहे। तो अच्छे काम करने में भले थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो, कभी कोई लांछन लग जाए, कोई परवाह नहीं, ईश्वर जानता है। बुरा काम हो करना नहीं चाहिए, और फिर झूठ मूठ में बुराई होती है तो कभी डरना नहीं चाहिए। आपके तरफ से बुराई नहीं करते हो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण।